ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। उपराष्ट्रपति को अपमान करने के मामले में बीजेपी ने धमतरी में मोर्चा खोलकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। जिला भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामले में बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने गुरुवार को गांधी मैदान में राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। भारत देश का दो दिन से शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसके अंदर में एक सांसद जो प्रधानमंत्री के रूप में भारत देश के गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस के जो यानी सांसद हैं राहुल गांधी, वो भारत देश के शर्मसार करने का कार्य करते हैं। वो भी सांसद जैसे एक पवित्र जगह पर, जहाँ पे भारत में के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी है, जो एक बहुत बड़े वरिष्ठ वहाँ के सभापति भी हैं और सांसद हैं और कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, उनके मिमिक्री करना, मजाक उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। इसके उपलक्ष्य में आज हमने उनका, राहुल गांधी का, और जिन्होंने इस कार्य में उनका साथ दिया, जो उन्होंने वीडियो बनाया, मिमिक्री किया, उनका साथ किया, उनका हमने आज पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आज यहाँ पर गांधी मैदान पर हमने राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि एक शर्मसार घटना जो शीतकालीन सत्र जब हो रहा था हमारे राष्ट्रीय संविधान में, तो राहुल गांधी एवं टीएमसी का जो बैनर्जी है, उनके द्वारा हमारे संवैधानिक पत्र पद पर आसीन राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी का हंसी उड़ाया गया है और 140 जो सांसद थे उन सब ने उनका हंसी मजाक माखोल उड़ाया है। तो यह शर्मसार करने वाली एक घटना है, जो कि भारत की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए ऐसे कुकृत्य घटना को अंजाम देने के लिए और उनका सहयोग देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम इसका विरोध करते हैं और उनका पुतला दहन करके आज हम विरोध का एक बिगुल बजाया है। ऐसी घटना कभी आइंदा ना हो, इसके लिए भी हम उन्हें सचेत करना चाहते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।